हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे कफ फॉर्मूले के बारे में, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, ये हुपैक्स है, ये कफ फॉर्मूला है। सर्दी जुखाम आजकल आप देखेंगे कि सबको होता है, चाहे बच्चे हों, चाहे एडल्ट हों, चाहे ओल्ड एज के लोग हों। जैसे मौसम चेंज होता है तो पेशेंट जो है उनको आप देखेंगे चेंजेस हैं जो नज़र आता है बॉडी में। उनकी जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर होती है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत जल्दी सर्दी जुखाम होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए आप ये कफ फार्मूला बहुत बेस्ट है। इस हुपैक्स कफ फार्मूला के मैं कुछ बता देती हूँ बेनिफिट, कि किस किस सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं पेशेंट को, क्या सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं उसमें ये जो हुपैक्स का फॉर्मूला है वो हम ले सकते हैं। तो पहले इसमें मेडिसिन बता देती हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन्स मिली हुई हैं, ये आप देख लीजिए। इसमें सारी होम्योपैथी मेडिसिन्स मिली हुई हैं। ये जो मेडिसिन्स मिली हुई हैं आपकी किसी प्रकार की खांसी आ रही है उसको ठीक करने में ये मदद करेंगी। इसका जो प्राइस है वो भी बता देती हूँ, 110 रुपये है। देखिए 110 रुपये है। ये आपको किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास या तो फिर होम्योपैथी फार्मेसी में आपको ये मिल जाएगा। ये आप एलेन कंपनी का है। ये देखिए कफ सिर्फ और भी आते हैं, तो ये कफ फॉर्मूला है तो आप इसे ले सकते हैं। और जो और भी कफ सिर्फ हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा कि आपको क्या सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। इस सिरफ के मैं आपको कुछ बेनिफिट बताती हूँ। जो पेशेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, सर्दी के कारण आप देखेंगे पेशेंट के सिर में दर्द होने लगता है, साथ में गले में खराश हो जाती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट चलने में बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम को ठीक करने में ये जो सिरप है वो हेल्प करेगा। जो पेशेंट हैं जिनको अभी अभी खांसी आना स्टार्ट हुई है, एक्यूट कंडीशन है, और उनको बहुत ही ज़्यादा खांसी आ रही है और रुक ही नहीं रही है, जो खांसी के साथ आप देखेंगे कि ड्राई खांसी आ रही है या फिर आप देखेंगे स्पूटम के साथ बलगम के साथ खांसी आ रही है, तो उस कंडीशन में भी आप ये कफ सिरप ले सकते हैं, कफ फार्मूला ले सकते हैं। इसको हम एक कफ फार्मूला बोल सकते हैं क्योंकि इसमें मेडिसिंस जो मिली हुई हैं सारी कह सकते हैं कि आपकी जो खांसी की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन मिली हुई हैं। जो पेशेंट हैं जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे ब्रोंकाइटिस अस्थमा है, या फिर आप देखेंगे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी आती है और टीबी की प्रॉब्लम है, जैसे टीबी के केस में भी आप देखेंगे पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी आती है, अस्थमा के पेशेंट आप देखेंगे कि उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सर्दी का जो मौसम है वो आ गया है, तो सर्दी के मौसम में आप देखेंगे जो पेशेंट है क्रॉनिक जो पेशेंट होते हैं तो उनको अपने आप कफ जो है लंग्स में जमने लगता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। अब बैठते भी हैं तो आप उनकी जो आवाज़ है तो वो सुनेंगे तो बार बार ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा वो हाँप रहे हैं, बैठे बैठे ही वो हाँपते हैं, और या फिर आप देखेंगे कि उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगती है, सिर में पेन होने लगता है, अपने आप कफ बनने लगता है। जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो टीबी के पेशेंट होते हैं, ऐसे जो पेशेंट हैं तो वही ले सकते हैं, उनको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। जिनको काली खांसी आती है जैसे हम कुकर खांसी बोलते हैं, उनको ये प्रॉब्लम है तो वो भी पेशेंट ले सकते हैं, पेशेंट को ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। इसमें बहुत सारी मेडिसिंस मिली हुई हैं। अगर आप देखेंगे जो पेशेंट है उसको जो क्रॉनिक खांसी हो रही है, बहुत टाइम से पेशेंट को खांसी आ रही है, और खांसी में आप देखेंगे कि जो बलगम निकल रहा है उसका जो कलर है वो चेंज है, उसमें RBC निकल रही है बलगम में, रेड कलर का बलगम निकल रहा है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है खांसने में, या फिर कुछ भी खाने पीने में निगलने में ऐसा कुछ लग रहा है पेशेंट को, गले में जैसे कुछ अटका हुआ है, गला एकदम छिल गया है, इस टाइप का फील हो रहा है पेशेंट को, और साथ में कफ निकल रहा, कफ का जो कलर है वो चेंज है, उसमें RBC प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट हो रहा है, तो
उस कंडीशन में भी आप ये जो कूपेक्स फॉर्मूला है आप लेंगे तो पेशेंट को ज़रूर आराम मिलेगा। ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों प्रकार की खांसी में आप इसे कफ जो फॉर्मूला है आप इसे ले सकते हैं, पेशेंट को ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और ये जो है आपके अगर खांसी के साथ आप देखेंगे जो नए पेशेंट हैं जिनको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है और मौसम चेंज हो गया है, मौसम चेंज होने के कारण पेशेंट को खांसी आ रही है और जो खांसी आ रही कंटिन्यू बनी हुई है, जैसे मौसम चेंज होता है तो पेशेंट को खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आप ये सिरप ले सकते हैं। इसको कफ फॉर्मूला पेशेंट को ज़रूर बेनिफिट मिलेगा और ये सभी प्रकार के पेशेंट ले सकते हैं, बच्चे भी लेंगे और जो यंग एज के पेशेंट होते हैं वो भी ले सकते हैं, ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं वो भी ले सकते हैं इसको। इसको लेना कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। जो यंग एज के पेशेंट हैं, ओल्ड एज के पेशेंट हैं, वो 1 चम्मच मॉर्निंग में, 1 चम्मच दोपहर में और 1 चम्मच नाइट में लेंगे। ये तीनों टाइम लेंगे और मॉर्निंग में आप इसको नाश्ते के 1 घंटे बाद ले सकते हैं या फिर खाली पेट भी ले सकते हैं। जब भी आप खाली पेट लें तो उसके आधे घंटे बाद ही कुछ खाएं। दोपहर में लेते हैं आप तो दोपहर में भी आप खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं या खाने के 1 घंटे पहले ले सकते हैं। नाइट में भी आपको ऐसा ही करना है, नाइट में भी आपको खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ही लेना है। इसको लेंगे तो आप देखेंगे आपको जो बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, आपको जो खांसी आ रही थी वो चली जाएगी। और ये जो मेडिसिन है इसमें सारी आप कह सकते हैं कि जो आपकी खांसी है किसी प्रकार की उसको ठीक करने के लिए ये जो मेडिसिन है वो मिली हुई है। बाकी जो सिम्टम्स मैंने बताई आपको, इस प्रकार के आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप ये सिरप लेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, आपकी जो खांसी है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स मिली हुई हैं जो आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करेंगे। तो ये सिरप आप ले सकते हैं। अगर ये सिरप लेंगे तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा और जिससे क्या होगा कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो ये सिरप लीजिए, फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।